जो भारत है वो पाकिस्तान को रिप्लेस करना चाह रहा है मिडल ईस्ट में, सऊदी अरब में, यूएई में. सो दे आर टेकिंग एन एग्रेसिव डिप्लोमेसी. जो क्योंकि अब ये जो मजहब मजहब की बात है ना, ये कार्ड बहुत पुराना हो गया कि क्योंकि हम मुस्लिम कंट्री हैं, आप मुस्लिम कंट्री हैं, तो हमारे हम आप भाई भाई हैं। ठीक है जी, तो अब कोई भाई भाई नहीं होता जैसे अब। जब इंडिया पाकिस्तान का मामला हुआ था, पहले ही सबको पता था कि अमेरिकन फोर्सेस विड्रॉ करेंगे. दोहा के अकॉर्ड हुए जिससे तालिबान आ गया, अमेरिकन चले गए. तो क्या हुआ उसके पहले? उसके पहले बोथ द डीजीएमओ स्पोक, बोथ द गवर्नमेंट स्पोक, एंड लाइन ऑफ कंट्रोल पे शांति है तब से. बिकॉज दैट सेड इट विल बी डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान टू डील ऑन द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न बॉर्डर साइमल्टेनियसली. वही माइंडसेट चाइना का भी चल रहा है. इट्स डिफिकल्ट टू डील विद इंडिया एंड द क्वाड देयर साइमल्टेनियसली. और ये चाहता नहीं कि दोनों कॉन्फ्लिक्ट लिंक हो जाए किसी तरीके से. इस वक्त जबकि इंडिया दुनिया की फिफ्थ बिगेस्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, तो क्या कोई कंट्री उसको नो कहेगा? चाइना जब आया था तो चाइना को लग रहा था कि धक्का वक्का मारेंगे तो इंडियन आर्मी गिर जाएगी जमीन पे, फिर हम जैसे चाइना करता है अग्रेसिव. तो वो हुआ नहीं. आप क्या समझते हैं? एक खबर ये आ रही है कि अगले हफ्ते जो समरकंद उज्बेकिस्तान में मुलाकात हो रही है, सॉरी एससीओ की मीटिंग हो रही है, वहां लाइकली पॉसिबिलिटी है प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी मिलेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो चाइनीज ने विड्रॉल की है, ये दैट इज टू ये कोई मुलाकात की इनिशिएटिव है या? चाइना जब आया था तो चाइना को लग रहा था कि धक्का वक्का मारेंगे तो इंडियन आर्मी गिर जाएगी जमीन पे, फिर हम जैसे चाइना करता है अग्रेसिव. तो वो हुआ नहीं. ये एक रीजन है. दूसरा रीजन है जो ताइवान के साथ इसका स्ट्रेस और टेंशन चल रहा है. वहां पे ऑकस की बात कर रहे हैं, क्वाड की बात कर रहे हैं, सब कुछ एक्टिव हो रहा है वहां पे बड़ी तेजी से. ये चाइना के ऊपर प्रेशर है. तीसरी जो बड़ी बात है चीमा साहब, कि चाइना की इकोनॉमी अंदर से मार खा रही है. जो रियल एस्टेट उनका बस्ट हुआ है, जो काफी वहां पे कोविड की वजह से उनकी इकोनॉमी को काफी हिट हुआ, और काफी बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं चीमा साहब, एक जिसको हम लोग शॉपिंग मॉल में रिटेल में कहते हैं ना एंकर ब्रांड्स, कि एक ब्रांड आ जाता है वो फिर वो आ जाता तो बाकी देखा देखा आ जाता. तो उसमें एक जैसे एप्पल है, तो एप्पल ने अब एक खबर और आई थी कि टाटा है, टाटा इज गोइंग टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग एप्पल फोन्स, उनकी बात चल रही है. तो अभी तो जैसे हम लोग कह रहे थे ना कि ताइवानीज कंपनी है हु हैज गॉट द कॉन्ट्रैक्ट फॉर, फिर वो सब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं चाइना को, इंडिया को, वगैरह वगैरह. तो उस तरीके से हो रहा है. आज भी इंडिया में वैसे ही बन रहा है, लेकिन एप्पल फोन का डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग टाटा करेगी. और टाटा के पास, टाटा इज वर्थ अबाउट 150 बिलियन US डॉलर, मतलब द कंप्लीट ग्रुप 130 150. उनका 100 बिलियन का तो टीसीएस है सब, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस तो 100 बिलियन की टीसीएस है. पता नहीं कितना वो ग्रुप कितना बड़ा है, कितना गहरा है, मुझे नहीं पता. एंड इट इज नॉट इंडियाज बिगेस्ट ग्रुप, इट इज द मोस्ट रिस्पेक्टेबल. दो ये बात माननी पड़ेगी, टाटा से ज्यादा किसी की इज्जत नहीं है भारत में. जैसे जब इंडिया पाकिस्तान का मामला हुआ था, पहले ही सबको पता था कि अमेरिकन फोर्सेस विड्रॉ करेंगे. दोहा के अकॉर्ड हुए जिससे तालिबान आ गया, अमेरिकन चले गए. तो क्या हुआ उसके पहले? उसके पहले बोथ द डीजीएमओ स्पोक, बोथ द गवर्नमेंट स्पोक, एंड लाइन ऑफ कंट्रोल पे शांति है तब से. बिकॉज दैट सेड इट विल बी डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान टू डील ऑन द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न बॉर्डर साइमल्टेनियसली. वही माइंडसेट चाइना का भी चल रहा है. इट्स डिफिकल्ट टू डील विद इंडिया एंड द क्वाड देयर साइमल्टेनियसली. और ये चाहता नहीं कि दोनों कंफ्लिक्ट लिंक हो जाएं किसी तरीके से. द लिंकिंग ऑफ बोथ द कंफ्लिक्ट्स, बिकॉज द प्लेयर्स आर द सेम चीमा साहब इन बोथ द कंफ्लिक्ट्स ना, द प्लेयर्स आर द सेम. द क्वाड इज देयर ऑल्सो, क्वाड इज हियर ऑल्सो. और जो अमेरिका एक्सरसाइजेस कर रही है भारत के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास, दिस इज ऑल्सो सेंट अ मैसेज टू चाइना दैट इट इज नॉट जस्ट दैट अमेरिका इज ओनली विलिंग टू फाइट इन द ओशंस, अमेरिका इज ऑल्सो ट्रेनिंग टू फाइट इन द माउंटेन. व्हाई शुड अमेरिका गो देयर? अमेरिका में पहाड़ नहीं है, अमेरिका लड़े पहाड़ में अपना करे एक्सरसाइज. अमेरिका इज ट्रेनिंग विद द इंडियंस देयर. सो दिस इज सेंट अ मैसेज टू द चाइनीज. चाइनीज आर अंडर प्रेशर, बट पहला जो प्रेशर है उनका चीमा साहब, उनकी इकोनॉमी का है. आप क्या देखते हैं? और ये पहला विजिट है उनका एज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, और इसकी कई लोग कह रहे हैं कि जी जो भारत है वो पाकिस्तान को रिप्लेस करना चाह रहा है मिडल ईस्ट में, सऊदी अरब में, यूएई में, सो दे आर टेकिंग एन एग्रेसिव डिप्लोमेसी जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो और इसको आप कैसे देखते हैं कि बेसिकली किन लाइन लेंथ पे ये चीज चल रही है? ये दिस इज फॉर जस्ट ट्रेड बिजनेस, और या कि ये टू टेम डाउन दी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज ऑन कश्मीर एज वेल? व्हाट इज एन इंडियन अप्रोच ऑन दिस? ये है कि कश्मीर का तो मामला है नहीं इसमें, क्योंकि कश्मीर के बारे में कोई इंडिपेंडेंटली बात नहीं करता. जब पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा उठाता है तब लोग रिएक्शन देते हैं. विदाउट पाकिस्तान्स इनकरेजमेंट और प्रोडिंग और पाकिस्तान्स रिक्वेस्ट या पाकिस्तान्स प्रेशर, मैंने तो आज तक किसी मुल्क को नहीं देखा कि अपने आप कश्मीर के बारे में कुछ बोलते हुए.
क्योंकि फॉर देम ये प्रॉब्लम है ही नहीं. मोदी जी एंड डॉक्टर जयशंकर आर गोइंग फॉर अ डिफरेंट रीजन. आई डोंट थिंक इट इज टू रिप्लेस पाकिस्तान और आई डोंट थिंक इट इज दिस थिंग. ये मुझे लगता है फोकस ये है कि टू डी लिंक और डी कपल रिलीजन विद बिजनेस. जो पाकिस्तान अक्सर ये कहता है ना इस्लामी बिरादर मुल्क, या फिर आप लोग कहते हैं कि यू नो आलम इस्लाम, यू नो. सो व्हाट दे हैव डन इज दे हैव ट्राइड टू डीलिंक दीज टू थिंग्स. दे आर सेइंग कि रिलीजन एक चीज है, स्टेट एक चीज है. स्टेट एंड रिलीजन आर टोटली सेपरेट. क्योंकि एक जमाने में चीमा साहब जो जो इस्लाम वॉज द आंसर टू एवरी क्वेश्चन. कश्मीर क्यों इंपॉर्टेंट है? इस्लाम की वजह से. फिलिस्तीन क्यों इंपॉर्टेंट है? इस्लाम की वजह से. हर चीज क्यों इंपॉर्टेंट है? तो जब से मोदी जी आए उन्होंने ये बोला कि नहीं साहब देखिए ये दोनों अलग मामले हैं. मैं हिंदू हूं, आप मुसलमान हैं, आप मैं मंदिर जाऊंगा, आप मस्जिद जाइए, इसका धंधे से कोई लेना देना नहीं है. दोनों बैठते हैं, धंधे की बात करते हैं. दैट इज वॉट ही इज प्रोमोटिंग एंड दैट इज एग्जैक्टली वाई डॉक्टर जयशंकर इज गोइंग. आई डोंट थिंक इट इज टू रिप्लेस पाकिस्तान. I think he's going there for diplomacy and to talk business, hard business, investments. और ये सब चीजें आपको खबर मिलेंगे, अभी आएंगे. There are massive Saudi investment. Massive, क्योंकि India is one of the very few countries in the world, चीमा साहब, ये मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, which can guarantee a return. जितना सऊदी को अपने बॉन्ड से मिल रहा होगा ना, या अपने ऑयल के जो, उससे ज्यादा इंडिया से उसको रिटर्न मिलेगा. तो अगर सऊदी यहाँ पे $100 अरब इन्वेस्ट करता है तो दे कैन गेट अ वेरी डिसेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया. इट इज पॉलिटिकली स्टेबल, इकोनॉमी इज बूमिंग, एवरीथिंग इज सेफ. आप यहां पे इन्वेस्ट करें और आपको रिटर्न मिले, क्योंकि हर एक बंदा चाहता है ना रिटर्न ऑन इन्वेस्ट, क्योंकि तेल खत्म हो रहा है. सऊदी का दुनिया में तेल खत्म हो रहा है, उनको पता है 25-30 साल के बाद कुछ रहना जाना नहीं है. नहीं, ये देखा है इसमें एक बड़ी अहम जो खित्ते की तब्दीली की मैं बात कर रही हूँ वो ये है कि हम ये देख रहे हैं कि इंडिया के ताल्लुकात अरब कंट्रीज के साथ बड़े गहरे होते चले जा रहे हैं. कुछ अरसे से इंडिया के वैसे यूएई से ताल्लुकात बहुत ही बहुत अच्छे हैं. यानी हमने ये भी देखा कि जिस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएई गए तो उनको किस तरीके से वार्म वेलकम किया जाता है, और वहाँ पर बाकायदा जो है वो एक मंदिर भी बहुत बड़ा उसके लिए वो भी बनाया गया, उसकी भी खबरें काफ़ी दूर दूर तक फैलती रहीं. और इसी तरीके से सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात भी अब इंडिया से बहुत अच्छे हो रहे हैं. और टर्की से सिचुएशन ये है कि टर्की खुद ये चाहता है कि उसकी इंडिया से ट्रेड हो, और उसको बहुत जब भी किसी ऐसी सिचुएशन में टर्की आता है कि उसको ज़रूरत पड़ती है कि भाई हालात बड़े ख़राब जा रहे हैं, तो वो उसकी कोशिश ये होती है कि भारत के साथ ट्रेड बढ़ा दी जाए. क्योंकि अब ये जो मज़हब मज़हब की बात है ना, ये कार्ड बहुत पुराना हो गया कि क्योंकि हम मुस्लिम कंट्री हैं, आप मुस्लिम कंट्री हैं, तो हमारे हम आप भाई भाई हैं. ठीक है जी, तो अब कोई भाई भाई नहीं होता. अब बात होती है म्यूचुअल इंटरेस्ट की, अब बात होती है म्यूचुअल बेनिफिट्स की, अब बात होती है ट्रेड की. और आप ये देखें कि इंडिया की ट्रेड पूरी दुनिया के कंट्रीज़ के साथ किस तरीके से आगे बढ़ रही है. अब इस वक्त जबकि इंडिया दुनिया की फिफ्थ बिगेस्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, तो क्या कोई कंट्री उसको नो कहेगा या उसको जो है वो कोई कोल्ड शोल्डर देगा? नहीं, मैं नहीं समझती ऐसा होगा.